प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आप सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का सादर आमंत्रण है जो आप लोग यहाँ पे मेरे पास आए, और आप लोग के माध्यम से हम इस क्षेत्र की सभी समस्याओं, एक बड़े बहुत बड़े मुद्दा है जो हम लोग का रोड है छपुआ से रक्षौल, इस 30 किलोमीटर के रोड को, इसको रोड नहीं कहिए, इस 30 किलोमीटर के बीच की दूरी को एकदम हम लोग को बर्बाद किया जा रहा है। कारण यह है कि हम लोग एक, आप लोग देखे हुए है कि छपुआ में एक टोल लग रहा है, एक टोल लग रहा है जो सीधा सीधा अनलीगल है, क्योंकि भारत सरकार का जो रूल है 60 किलोमीटर के बाद टोल दिया जाता है। हम लोग को ऑलरेडी इसके पहले 60 किलोमीटर के अभी चकिया टोल हम लोग से लिया जा रहा है, उसके बाद ठीक उसका एक और मार हम लोग को छपुआ टोल पर दिखाया जा रहा है, एक और हम लोग को मार दिया जा रहा है छपुआ टोल के नाम से। 60 किलोमीटर का जो आपको NHAI का जो नियम है, तो 60 किलोमीटर के बाद हम 60 किलोमीटर के बाद 55 किलोमीटर पे आप टोल दे रहे हैं, उसके बाद 60 किलोमीटर हमको और तो चाहिए एरिया, तो 60 किलोमीटर के बाद आप नेपाल जाएंगे, आप नेपाल जाके नहीं ना लगाएंगे टोल, तो हमें 60 किलोमीटर में क्यों दिया जा रहा है टोल? इसके पीछे दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है? इसके पीछे देखिए, इसके पीछे NHAI के जितने अधिकारी हैं वो जिम्मेवार हैं, हमारे सांसद महोदय जिम्मेवार हैं, माननीय विधायक जी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ क्या है सर, इसके पहले इंटरसिटी हम लोग के लिए बंद कर दिया गया, रक्षौल और सुगौली दो विधानसभा को इन लोग अपना मतलब वोट बैंक समझ लिया है, जो मन करेगा वही करेंगे, ऐसा हम लोग होने नहीं देने जा रहे हैं। आप समझ जाइए कि सुगौली से हम लोग को बीच से रामगढ़ में इंटरसिटी जो हम लोग की चलती थी उसको बंद कर दिया गया, हमारे माननीय सांसद महोदय जी क्या उनको यहाँ से वोट नहीं मिलता है? सबसे ज़्यादा लीडिंग वोट रामगढ़वा, रक्षौल और सुगौली देता है, उसके बाद भी हम लोग को इतना मैंने लीड जबकि देता है हमारा सुगौली और रामगढ़वा, उसके बाद भी हम लोग के साथ ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं है, विधायक क्यों टोल? अच्छा, उस टोल से आप मुझे बताइए, एक तो फैक्ट्री हमारे यहाँ है चीनी मिल जी। उस टोल के बन जाने से हमारी जितनी किसान भाइयों की गाड़ी आती है, सब लोग ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा गाड़ी वहीं पे रुकता है और एकदम वो रोड जाम हो जाता है। आप टोल बना देंगे तो वहाँ गाड़ियाँ रुकेंगी? कहीं से भी किसान भाइयों को कुछ मदद मिलेगा? वहाँ से उनको मार के पुलिस खदेड़ देगी, जाइए आप रामगढ़वा तक लगा दीजिए। दूसरा, हमारे यहाँ जितनी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो सब ठप रहेगी चीनी मिल के चलने के कारण, वो सारा रोड जाम, टोटल रोड जाम पड़ा रहेगा। धीरज जी, मतलब ये जो टोल टैक्स का निवारण जो हो रहा है, ये तो 3 साल पहले से हो रहा है सर, 3 साल पहले से हो रहा है, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सांसद जी ने अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। वही तो सबसे बड़ी बात है, ये रामगढ़वा रक्षौल के लोगों को क्या समझते हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है? आप एक बात बताइए, टोल लगने से सीधा हमारे जीवन पे असर पड़ेगा, हमारे जो छोटे व्यवसायी हैं सबका, आप सब चीज का रेट आपको 2 रुपया 3 रुपया ज्यादा। लेकिन धीरज, 3 साल से जैसे ने कहा कि 3 साल से मरा, लेकिन 3 साल से आपने कभी इसका जिक्र किया ही नहीं। सर, हम जब पटना से आ रहे थे तो देखे कि इधर पूरा बिल्डिंग बन रहा है, हम जब पता किए तो पता चला यहाँ भी टोल लग रहा है। सर, कहाँ टोल दें हम लोग? हो सकता है कि जो हमारा रोड है अंतर्राष्ट्रीय, यानी नेपाल में सिर्फ रोड। आप एक बात बताइए, 4 लेन तो हमारा है नहीं, बिल्कुल 2 लेन है, तो 2 लेन पे किस तरह का रोड टैक्स? आप 4 लेन तो हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप 4 लेन देते तब तो हमसे टैक्स लेते, आप तो सीधा सीधे एक कर लाद रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि विकास नहीं कर रहे बल्कि परेशान कर रहे हैं। विकास तो सर, आप अभी मेरे क्षेत्र, आप यहाँ पे आए हैं मेरे गांव में, आप विकास देखे हैं रोड का स्थिति? विकास कहाँ है, विकास हुआ है, पूरा विकास हुआ है, देखे है ना, पूरा धरती छोड़ के ईंट ऊपर आ गया है, ईंट आ गया है ऊपर, आपको रोड कितना मोटरेबल है वो देख लिए हैं, बिल्कुल ये सब मेंटेनेंस में रोड है, देख लिए हैं आप क्या स्थिति है इस रोड की, तो विकास तो यही हुआ है सर। इसके पहले जो सरकार थी, सांसद जसवाल कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में विकास की फंड वहां से आती है, कोई विकास की फंड की कोई समस्या नहीं होगी सर, पैसा ही पैसा है बिहार के लिए, डबल नहीं विकास हो रहा है सर, विकास तो शायद पागल उगल हो गया है वो तो मोदी जी के नेतृत्व में आप लोग देख ही रहे हैं कि विकास पागल हो गया है,
हम लोग किस तरह नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, एक कोरोना के बाद सब लोग अपना जीवन सामान्य रूप से अभी घसीट रहा है, चला रहा है एकदम बहुत बहुत धीरे धीरे सबका जीवन चल रहा है। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, सब चीज़ आप लोग के सामने है। हम लोग उस सब दुनिया से झेल रहे हैं कि एक छपवा में आपको टोल प्लाजा दिया जा रहा है। तो इसको लेकर सरकार से अभी क्या मांग है? ये टोल प्लाजा क्यों एनएचआई के अधिकारियों के द्वारा हम ये मांग करते हैं कि ये टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के अंदर में क्यों? आप पिपरा कोटी से टू लेन लेके आ रहे हैं रक्सौल तक, आप रक्सौल इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे भी आप टोल टैक्स ये टैक्स वसूल कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप टैक्स वसूल करिएगा। इसका सीधा सीधा हम खाने पीने से लेके सब चीज का जो दाम बढ़ेगा उसका सीधा सीधा हम ही लोग पे ना असर पड़ेगा, उसका आम आदमी पर। इस 30 किलोमीटर के रेंज में रहने वाले गांव के लोग पे ही ना पड़ेगा। मांग मेरी यही है कि ये टोल प्लाजा एकदम गलत है, ये टोल प्लाजा एकदम गलत है। दूसरी चीज आप लोग देख लीजिए कि ये जो हम लोग सिर्फ हम लोग को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ रक्सौल और सुगौली के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप जो रोड निकल के जा रही है, एक तरफ मोतिहारी जा रही है, एक तरफ बेतिया आ रही है, एक तरफ सीधे आपको अरेराज जा रही है, हम तो कहीं नहीं निकल पा रहे हैं सर, हमको तो मुंह पे रोक दिया जा रहा है। तो आपका कहना है कि बेतिया वाले रूट में देना चाहिए? हाँ, बेतिया वाले रूट में आप दीजिए। लेकिन सांसद आप जहां साठ किलोमीटर टूटता है आप वहां दीजिए, आप वहां पे दीजिए। हमको 30 किलोमीटर के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? आप इंटरसिटी से परेशान कर रहे हैं हमको, आप टैक्स लगा के परेशान कर रहे हैं हमको। एक नया ये आप एक नया गिफ्ट हम लोग को देने जा रहे हैं। महात्मा गांधी 1917 में यहां से आंदोलन किए थे, आंदोलन इसलिए किए थे महात्मा गांधी क्योंकि कर जो था यहां पे हमारे किसान भाइयों पे कर जो बहुत ज्यादा लाद दिया था अंग्रेज सरकार, उसी के विरुद्ध में। और बताइए आप कर पे कर दे रहे हैं, आप तो अंग्रेज से भी ज्यादा अंग्रेज है सर। अंग्रेज भी तो था कि कुछ दिन के लिए शर्मा जाता, आप तो वो तो समझ में नहीं आ रहा है कि चकिया दे यहाँ दे, कुछ दिन बाद कहिएगा नेपालों में घुसी होता। वो तो सांसद जी आए थे आज से दो दिन पहले बेलवा में, जब हम लोग बात कर रहे थे तो शायद समय नहीं था उनके पास, समय नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा हम तो इस क्षेत्र का बेटा है और बेटा को कुछ समय चाहिए क्योंकि हम दिल्ली में समय देंगे तभी जाकर विकास होगा। और शायद मोदी के ज़माने में विकास पागल हो गया था लेकिन अभी विनोद पागल हो गया है, जो अभी विनोद चल रहा है। लेकिन आपने कहा विकास नहीं हुआ, तो मेंटेनेंस जो कंपनी है सबसे पहले उसकी गलती है और यहाँ का जो स्थानीय नेता लोग हैं उनको ज़रा ध्यान देना चाहिए, अधिकारी लोग उनको भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात है जो टूल टैक्स है, टूल टैक्स वहाँ का जो किसान है, किसान मर जाएंगे बेचारे। आखिर उन किसानों को कब तक इस तरह से प्रताड़ित किया जाए? सर किसान की तो सीधी सीधी आप वहाँ देख लीजिए, एक तो वहाँ चल रहा है यूरिया, यूरिया तो बाद की चीज़ है, मोदी गवर्नमेंट में तो यूरिया इस साल मिला ही नहीं है, वो सब तो बहुत दूर की चीज़ है। अभी जो हमारे यहाँ एक छोटा सा फैक्ट्री है सुगौली में जहाँ कंटिन्यूस गाड़ी लगी रहती है किसान भाइयों की, कि यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं जगह नहीं मिलता है, उस जगह को भी आप वैकेंट कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे सर? इमरजेंसी रात में हम लोग को निकलना पड़ेगा तो उस रोड में जगह नहीं मिलेगा कि हम लोग निकल पाएंगे, क्या करेंगे सर? और वो क्या कह रहे हैं सांसद जी, बेटा है तो बेटा तो ऐसे ही होता है, अब इस तरह का बेटा हो जाए तो समझिए कल्याण क्या होगा, क्षेत्र का वो कितना कल्याण करते हैं, भगवान भरोसे है क्षेत्र। धीरज जी, 3 साल पहले यहाँ पे एनडीए की सरकार था, 2 महीना पहले टूटा हुआ है, ठीक है, कहीं 2 महीने के बाद जो महागठबंधन का सरकार बना हुआ है, कहीं इसे के लेके आप तो विरोध नहीं जता रहे हैं? सर हम अपने रमगढ़ों और सुगौली, सिर्फ रमगढ़ों और सुगौली के लिए बात कर रहे हैं, हमको विशेष कहीं से मतलब नहीं है, हम सिर्फ रमगढ़वा, सुगौली और रक्सौल, मतलब ये तीन जगह 30 किलोमीटर का एरिया जो इफेक्टेड हो रहा है सर, इसकी बात कर रहे हैं। किसान भाई कहाँ जाएंगे, छोटे मजदूर आदमी कहाँ जाएगा, छोटे मजदूर आदमी का शादी होगा सर, उस रूट से गाड़ी पार करने में उसको कितना का एक्सपेंस लगेगा? यानी आपके कहने का मतलब जितना पंगलोगनी मिलेगा सब टूल टैक्स में दे देगा लोग, दहेज भी बढ़ जाएगा सर, दहेज भी बोलेगा, एक टोल वाला भी है उस पे उसका भी दहेज बढ़ा दीजिए भाई, कुछ और बढ़ा दीजिए, 5 लाख के बदले 7 लाख हो गए। संसदीय क्षेत्र की जनता जयसवाल परिवार को लगभग 3-4 तरह से समय दे चुकी है और जयसवाल परिवार अभी भी समय मांग रहा है।
आपके ख्याल से अभी और कितना समय देना चाहिए जनता को? सर मुझे तो मेरे ख्याल से जो आदमी एक बार आपके काम के लिए नहीं है उस आदमी को आप जगह ही नहीं दीजिए। उस परिवार को यहाँ जगह देते 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 वो पंडा बाबा बन गए हैं यहाँ के लिए, वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, वो अपना गढ़ बना लिए हैं यहाँ पे। यदि उनको हिलने वाली और हिलाने वाली यहाँ के लोगों की मानसिकता होती तो शायद वो ट्रेन बंद नहीं करते, शायद ये इतनी बड़ी मतलब कम से कम इतना बड़ा जो ये चीज़ हो रहा है वहाँ पे, कम से कम इसकी भी जानकारी उनको तो इसकी भी जानकारी नहीं होगी। सर भैया जी आपका दो मांग है, एक इंटरसिटी और एक टोल टैक्स, अगर ये दो मांगे नहीं पूरी हो पाती है तो आप क्या करेंगे? सर टोल टैक्स यदि बंद नहीं होता है तो सीधा सीधा हम एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे और वो आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा। हमको ये टोल टैक्स नहीं चाहिए, इस टोल टैक्स से जितना मतलब गवर्नमेंट को प्रॉफिट है, आप तो कर लगाने में बिजी हैं, आप तो हम गाड़ी खरीदते हैं उसमें भी कर देते हैं, टायर खरीदते हैं उसमें भी कर देते हैं, हम तो एक एक चीज खरीद रहे हैं कर दे रहे हैं सर। मतलब एक कंपनी भी है उसको भी आप बंद करने में लगे हैं, उसकी जगह एक कंपनी दे देते लोगों को काम करने के लिए। सर जहाँ कंपनी है जहाँ चल रहा है किसान लोग का जो सबसे, कहाँ जाएंगे किसान सर आप बताइए ना, कहाँ जाएंगे किसान वहाँ के, कहीं जगह है लगाने के लिए? आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि टोल टैक्स वहाँ पर नहीं लगाया जाए और उसे बंद कर दिया जाए? टोल टैक्स सर आपको लगाना है टू लेन पे, तो एक टोल टैक्स मेरे ख्याल से नहीं लगाना चाहिए, और इतने बड़े ये इस एरिया के लोग धनवान नहीं है। आप जाइएगा कर्नाटका वगैरह इस सब में जाइएगा तो जहाँ गरीबी है, जहाँ बढ़िया से ठीक ढंग से सब लोग जीवन यापन नहीं करता है, बहुत लंबा लंबा दूरी के बाद वहाँ टोल लगता है, लेकिन यहाँ तो 60 किलोमीटर के अंदर ही दे दिया जा रहा है सर। 60 किलोमीटर, 60 आपका NHI का जो है रूल है 60 किलोमीटर के बाद ही लगाना है, तो 60 आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो यहाँ 60 है, यहाँ के बाद ना 60 जाइएगा सर, तो हमको 120 किलोमीटर पर रोड दीजिएगा ना, टोल टैक्स दीजिएगा कि आप हमको 60 किलोमीटर में वो टोल टैक्स और दे दीजिएगा। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरा यही मांग है NHI के अधिकारियों के साथ, हमारे माननीय सांसद महोदय के साथ, हमारे माननीय विधायक जी के साथ, कि आप जो यहाँ पे टोल निर्माण हो रहा है उस पर आप गहरी चिंतन करिए। वहाँ टोल बनने से हमारे किसान, व्यापारी, मजदूर, हम लोग, इवन पूरा ये 30 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया, ये सब इफेक्टेड होंगे। वो एक टोल नहीं है सर, उसको आप एक टोल के नज़र से मत देखिए, वो हम लोग पे एक बोझ है, जो आने वाले टाइम में हम लोग पे बोझ होगा वो।